कई बच्चे आपने देखा है कि पढ़ने में कमजोर है लेकिन खेलने में बहुत आगे, और जब भी कभी निराशा होती है किसी चीज को लेकर के हमारे मन में कोई संकोच रहता है, निराशा होती है, हम ऊब जाते हैं, तो खेलों से क्या होता है, हमारा शरीर और दिल और दिमाग तरोताजा हो जाता है। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे होना चाहिए, खेलों में भाग लेना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, टीवी पे भी देखते होंगे, कई ऐसे उदाहरण हैं जिसके कारण लोग खेलों में बहुत आगे बढ़े। आप सचिन तेंदुलकर का उदाहरण ले लो। सचिन तेंदुलकर जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो 10वीं क्लास में पढ़ते थे, जब अंतरराष्ट्रीय टीम में पहुंचे 10वीं क्लास में थे। अब 10वीं क्लास में पढ़ने वाला और अंतरराष्ट्रीय टीम में खेले, आगे चल के वो कितना नाम कमाया, यानी क्रिकेट का भगवान कहा जाता है इनको। ये सब मिला कहां से उनको, इतनी ख्याति कहां से मिली, खेलों से। तो हमें भी खेलों में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, इससे कुछ बच्चे जो कमजोर हैं पढ़ाई में तो वो खेलों में आगे हो सकते हैं। इसके साथ साथ अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुशासन ही, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दूरदृष्टि पक्का इरादा, यानी लंबी सोच रखना चाहिए। ये नहीं कि हम जरा से लाभ के लिए अपने सब सिद्धांतों को खो दें, यानी लाभ के साथ साथ हमारा इरादा भी मजबूत होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। खेलों से एक तो नेतृत्व की भावना आती है, सामूहिक रूप से किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ा जाए ये सीखते हैं, एक दूसरे के भावों को विचारों को हम समझते हैं, इससे हमें आगे बढ़ने और आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अभी जैसे कुछ समय पहले अपने विद्यालय में ये स्पोर्ट कराए गए थे, खेल कराए गए थे, उनमें कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कुछ